हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद हालात हालांकि नियंत्रण में हैं, लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्व छिटपुट घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। रात में नूह के ही तावड़ू इलाके में दो धार्मिक स्थलों में आगजनी की गई, जिसके बाद वहां पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। इलाके में तनाव बरकरार है, जिसे देखते हुए नूह के SP ने खुद मौके पर जाकर हालात को नियंत्रण में लिया। आगजनी की घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ शरारती तत्वों ने देर रात दो धार्मिक स्थलों पर मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम फेंके, जिससे वहां पर आग लग गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि आग को भी जल्दी ही काबू कर लिया गया। जिन दो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, उनमें से एक पुलिस थाने के करीब जबकि दूसरा विजय चौक के पास मौजूद है। हिंसा के बाद तनाव की स्थितियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्रीय बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। ताजा जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की भी मौत हो गई है, जिससे हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। नूह के SP वरुण सिंगला ने बताया कि नूह में हालात अब नियंत्रण में है। नूह में पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात की गई हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी इलाकों में फोर्स तैनात की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 14 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं, जबकि हरियाणा पुलिस की भी 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिन रात चौकसी बरती जा रही है। देखिए, जो इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं, जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं, वो अपार्ट फ्रॉम दी नूह पुलिस, वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड। सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज कमिंग। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं, वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने STF की और CIA की कंबाइंड बनाई हैं, जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 SIT गठित की गई हैं, जिसके अंदर ये सभी केसेस दिए गए हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एविडेंस पे हम टेक्निकल एविडेंस पे और अन्य सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे वर्कआउट कर सकें। नूह के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वरुण कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वो शांति और सद्भाव बनाकर रखें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी को शांति भंग करते हुए देखा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ACP वरुण कुमार ने साथ ही अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ऐसे र्यूमर्स हैं, काफ़ी ऐसे वीडियोस पोस्ट करी जा रही हैं जो शायद कहीं और दूसरी जगहों की भी हैं। कुछ ये जरूर मानते हैं कि नूह मेवात के अंदर और कुछ संबंधित कुछ गुड़गांव के एरियाज में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करी गई है, हुआ है, लेकिन बहुत गुड़गांव के अंदर बींग ए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नूह, कुछ जिस तरीके का 31st और 1st के आसपास जो एस्केलेट हुआ था, वो सभी जितने भी घटनाक्रम थे उनके ऊपर काबू पाया गया है। संबंधित के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करी गई है। ऐसे मिसक्रिएंट्स जो लोग खासकर ऐसी एक्टिविटीज़ में इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करी गई है। लोगों की पहचान करी जा रही है, अरेस्ट करे गए हैं, लोगों को डिटेन करा गया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी मैं आपकी तरफ से ये एक माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ, आम पब्लिक को सूचित करना चाहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के अंदर ये रोष आ रहा है कि पुलिस एक तरफा कोई अगर कहीं पर कोई कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस के लिए कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है। पुलिस के लिए सब हमारी हम पुलिस की जो पुलिस के बिहाफ पे जितनी भी जनता है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई करते हैं। हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो किसी की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी तरीके से लोग गलत रिमर्स फैलाएं कि पुलिस किसी पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लिए काम कर रही है। पुलिस काम कर रही है सिर्फ किसी भी इलीगल एक्टिविटी या घटनाक्रम को रोकने के लिए। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि पुलिस बिल्कुल संवेदनशील होकर इन चीज़ों के ऊपर एक्टिविटी करे, अपनी कार्रवाई करे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हम वार्निंग देना चाहते हैं 27 से, अगर जो लोग भी इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष के हों, उनके खिलाफ 27 से कार्रवाई करी जाएगी, उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा और पुलिस बिल्कुल 27 से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नूह के संवेदनशील इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी की जा रही है। शरारती तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है। इसके लिए आम जनता से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें भी उपद्रव भड़काने संबंधी कोशिशों की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो वे फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।